ब्यावरा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय में युवा एकेडमी अध्यक्ष राम भील द्वारा युवा संवाद का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। युवाओं ने बताया कि राम भील अजनार नदी और पर्यावरण के प्रति विशेष पहल की है। सभी युवा एकत्रित होकर पुराने बस स्टैंड पहुँचे और रेलिंग के भीतर का कचरा साफ किया। पौधों को फायर ब्रिगेड की मदद से पानी दिया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपनी वाणी से नहीं कर्मों से संदेह देना चाहते हैं। ब्यावरा से मोहन कुमार के साथ मुकेश वर्मा की रिपोर्ट। राम भाई, आपने युवा संवाद की शुरुआत की है, ये आपका उद्देश्य क्या है? आज जिस तरह से दूसरा रवि आ रहे, युवा संवाद का दूसरा दिन है हमारा। ये युवा संवाद का उद्देश्य है सिर्फ के नगर के युवा और जो मैन विषय पर्यावरण बचे तो प्राण बचे को लेकर हमारा ये युवा संवाद का विषय था। और इसमें हमारा जो ब्यावर नगर का मुख्य विषय है अजनार नदी, जिसको देखा जाता है जल स्रोत की जो बात की जाती है, तो हम अपने नदी को ही नहीं बचा पाएंगे तो हम अपना जीवन से नहीं बचा पाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पहले जल स्रोत बचे और मेन चीज उसके बाद हमारा मेन पर्यावरण। जो पर्यावरण यदि आज रहेगा तो हम लोग संयुक्त रहेंगे, नहीं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की बड़े बड़े शहरों में जहरीली हवा चल रही, कोई बड़ी बात नहीं कि ब्यावर भी आपका हो सकता है आने सकते, तो आप उससे पहले ही सुरक्षित हो जाए। क्योंकि हमारा हमको धरती से, जबकि हम अभी भी सोचते हैं कि हमारे भी ऐसे धरती है तो ऐसा संभव नहीं है, तो हम लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी। और इस युवा संवाद के माध्यम से हर युवा आगे आए, हमारी ये पहल है। ब्यावरा मंडल अध्यक्ष चंदन जी अग्रवाल, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, कर्मण्य वादी कारक से माँ फलेशु कदाचन। हम अपनी वाणी से संदेश नहीं देना चाहते हैं, हम अपने कर्मों संदेश देना चाहते हैं। ब्यावरा की युवा शक्ति ब्यावरा से प्यार करती है, ब्यावरा को अपना परिवार मानती है, और हम अपने परिवार में, हम अपने समाज में, हम अपने शहर में पर्यावरण को लेके, नदियों के संरक्षण को लेके, गंदगी को दूर करने के लेके हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने नित नए प्रयास करेंगे। आज उसी क्रम में हमने, सब लोगों ने तय किया था युवा शक्ति ने, कि ब्यावरा शहर के मुख्य मार्ग के बीच में जो रेलिंग है उसके अंदर जो पौधे लगे हैं, उस पौधों की दुर्दशा जो है, दुर्दशा को सही करते हुए उन पौधों के आसपास की हम सफाई करेंगे। और सफाई करने के बाद उन पौधों को हमने नगर पालिका प्रशासन के द्वारा, उनको ऊपर फायर ब्रिगेड के द्वारा पानी डलवाकर उनकी सफाई करी है। उनके नीचे के अंदर जो मिट्टी और जो पॉलीथीन और जो अपशिष्ट पदार्थ पड़े हुए थे उनकी सफाई करके हमने उनको एक जीवन दान दिया है। प्रदेश महासचिव अर्पित जी गुप्ता, आप राम भाई ने जो पहल की इसको कितना? राम भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और हमारा उद्देश्य साफ है, राम भाई ने ठानी है, ब्यावरा के युवा ने ठानी है, हर वर्ग ने ठानी है, ब्यावरा बनेगा नंबर वन। हमारे ब्यावरा से राजगढ़ जिला ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश सीख लेगा कि शहर को कैसे साफ रखा जाता है। ये पहल इनकी बहुत आगे तक जाएगी। मैं इन सबको, पूरे युवाओं को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे ब्यावरा का युवा वर्ग और पूरे ब्यावरा की जनसंख्या आकर के हमारा समर्थन करेगी और हर पार्टी के व्यक्ति यहाँ आकर के काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।